नेक्स्ट इज बड़ा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये वर्ड ऐसा नहीं कि बड़ा पहली बार आ रहा हूँ, हमने पहले भी कॉनकेव मिरर वाले केस में, कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में ये वर्ड देखा भी है। और हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तब डिफाइन करते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी। देखते हैं बड़ा क्या कहानी है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अब बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तो पड़ी है, मैग्निफिकेशन निकालते कैसे हैं? चलिए देखते हैं, एक सवाल के थ्रू देखते हैं। इसी बहाने बड़ा हम थोड़ी बहुत बातें भी सीखेंगे। आपके पास बड़ा एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बड़ा लेट से 20 सेंटीमीटर है। ये बड़ा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बड़ा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कहीं बड़ा कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे, एक सेंटीमीटर बड़ा इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे ए बी कह दूं तो ये डिस्टेंस बड़ा आपके पास 24 सेंटीमीटर है। अगर बी वाले पॉइंट की डिस्टेंस अगर लेंथ से 24 सेंटीमीटर है तो ए वाले पॉइंट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। ए बी की कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, आपको ये बताना है कि ए बी की जो इमेज है उसकी लेंथ कितनी है। इतना सा ही सवाल, तो सवाल लिखिए बड़ा, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए बी। ए बी की जो इमेज है बेटा उसकी लंबाई आपको बतानी है। तो चलिए करते हैं बेटा कोशिश, हमें मान के चलते हैं कि ए की इमेज ए डैश और बी की इमेज बी डैश, ऐसे कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा इस ए बी से रेज यू जाएंगी, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। ए के लिए कोऑर्डिनेट बेटा यू की वैल्यू जरा चेक करना, -25 आ रही होगी। एफ की बेटा वैल्यू आप जानते ही बेटा कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। काश मैं वी बता पाऊँ। आप बोलोगे बिल्कुल सर, लेंस के केस में वी का फॉर्मूला होता है यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, बेटा यू प्लस एफ किया तो बेटा मेरे ख्याल से -5 आ गया होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया होगा। आई थिंक बेटा वी की वैल्यू आ गई है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक की जो इमेज है बड़ा वो लेंस से 100 सेंटीमीटर दूर इधर बनेगी। ठीक है, क्या दिक्कत है बड़ा मन को, हमने यहाँ पर लिख दिया ए डैश और ये डिस्टेंस बड़ा हमारे पास आ गई 100 सेंटीमीटर। जो कैलकुलेशन हमने ए के लिए की बड़ा वही कैलकुलेशन एक बार हम बी के लिए भी करते हैं। बड़ा देखा बी कहाँ पड़ा है, बड़ा बी की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो बी पड़ा है बड़ा 24 पे नेगेटिव में। तो आप कह सकते हो कि सर उसके लिए U की जो वैल्यू है वो -24 सेंटीमीटर है। V निकालना है, बड़ा फॉर्मूला आप जानते हो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यू है -24, एफ है बड़ा 20, यू प्लस एफ बड़ा मेरे ख्याल से -4 आ जाएगा। बड़ा 4 प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 4 बड़ा 6 120 आ गया वो शायद, थोड़ा V की वैल्यू आ गई है 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब B की जो इमेज है वो प्लस में 120 सेंटीमीटर से बनेगी। 100 सेंटीमीटर तो ये रही, 20 और। तो आप कह सकते हो कि B की इमेज बड़ा यहाँ कहीं बनेगी B डैश, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बड़ा ये 120 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज, तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है लेंथ ऑफ इमेज इज ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट। आई थिंक बट दैट इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज लेंथ ऑफ द इमेज, इट्स ओके। अगर मैं आपसे पूछ रहा मैग्निफिकेशन क्या है तो आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज इज बेसिकली v2 - v1 डिवाइड बाई बड़ा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स u2 - u1 v2 - v1 एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा u2 - u1। आप कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन इज बड़ा लेंथ ऑफ इमेज है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, बड़ा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 20। लेकिन इस तरह के सवाल से आपको इस बात का भी आइडिया लगा होगा कि बेटा कोई फॉर्मूला बन नहीं पाया, लेकिन हमें बेसिक से करना पड़ेगा, एक इमेज ए डैश और बी की इमेज बी डैश, हम बड़े आराम से इस काम को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं आपके लिए, है ना।
बट आप कीजिएगा आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया सा सवाल है, निपटा सकते हैं आप बड़े आराम से। इसी बहाने बड़ा अपनी हल्की फुल्की थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी किसी चीज़ की। सुनना बेटा, ऐसा सा सवाल बेटा HCV के अंदर और आपकी शीट के अंदर मिरर के लिए है, वो आप कर लेना बेटा। मैं लेंस के लिए कन्वर्ट करके वैसे सवाल पूछा हूँ, जिससे आपके लिए सवाल की संख्या भी बढ़ जाएगी कि हाँ एक ये कर लिया, एक वो कर लिया, और थोड़ा डिफरेंस भी आपको महसूस होगा कि हाँ वो सवाल डिफरेंट था और ये वाला सवाल डिफरेंट है। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं बेटा। आपके पास बेटा सवाल इस तरह से कि ये लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये बेटा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, और बेटा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ेगा, ये बड़ा कोई वायर है इस तरह का, इसके खुद की लेंथ बड़ा 20 सेंटीमीटर है, ये बड़ा यहां से लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है, इसकी खुद की बड़ा जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। इसे बड़ा मैं पॉइंट ए बोल दूं, इसे बी कह दूं, इसे सी कह दूं, इसे डी कह दूं। तो बड़ा ऑब्जेक्ट आपकी ये है कुल मिलाकर, यहाँ से चलते चलते चलते, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक, ऑब्जेक्ट की जो कुल लेंथ है बड़ा दैट इज 2 सेंटीमीटर प्लस 20 प्लस 2, आई थिंक टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, और द टोटल लेंथ ऑफ एंटायर वायर इज 24 सेंटीमीटर। इसकी इमेज की लेंथ निकालनी है बड़ा, सवाल लिखिए, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ दिस 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। 24 सेंटीमीटर लॉन्ग जो वायर है इसकी इमेज की आपको बड़ा लेंथ बतानी है। चलिए बड़ा करते हैं कोशिश, है ना, ट्राई करें। चलिए ये जो बी और सी है ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो बेटा तुम जानते हो कि ना इमेज की क्या लेंथ होगी, उसके लिए हम बी की इमेज बी डैश और सी की इमेज सी डैश, सिंपल जैसे करते हैं बेटा वैसे ही करेंगे। चलिए बेटा बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, मैं एक बार बेटा बी के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। रेज आएंगी ऐसे, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, टी सी ए और बी सी ए, बेटा यू की वैल्यू आ गई है -50, फोकल लेंथ बेटा आप कह रहे हो कि सर दैट इज 10, तो वी की वैल्यू आएगी यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से बड़ा 0 कैंसिल, आई थिंक बड़ा कितना 50 अपॉन 4 is 25/2, 12.5 बड़ा दैट कम्स आउट 12.5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आया बड़ा, पॉजिटिव में आया। तो आप कह सकते हो कि बी की जो इमेज है बड़ा वो यहाँ कहीं आएगी बड़ा, दिस पॉइंट इज बी डैश, और बड़ा ये यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर दूर है। अच्छी बात बेटा, सी का भी ऐसा जुगाड़ लगा लो बेटा, सी का भी ऐसा ही कर लो। सी के लिए क्या करूँ बेटा, सी के लिए आप कहोगे कि सर यू की वैल्यू बड़ा देखना माइनस थर्टी बेटा, एफ तो हमें पता ही है बेटा, वी की वैल्यू विल बी यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, बड़ा इससे ये कैंसिल, बड़ा 2, 5, 15 आ जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सी की जो इमेज है बड़ा वो यहाँ कहीं आएगी, इट विल बी लाइक दिस, यहाँ कहीं, दिस इज योर सी डैश, और ये 15 सेंटीमीटर। तो बी से सी के बीच की जो लंबाई है बड़ा वो तुम्हें नजर आ गई है, बी से सी के बीच की लंबाई तुम्हें नजर आ गई बड़ा, 12.5 से 15 आई थिंक बड़ा दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, बड़ा दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, बड़ा बी डैश यहाँ लिख लो, सी डैश यहाँ लिख लो। अब बात करते हैं बड़ा ये जो ए बी वाला हिस्सा और सी डी वाला हिस्सा, इनकी बात करते हैं। लेकिन ये जो ए बी और सी डी है बड़ा तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़े हैं, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़े हैं तो इनके लिए तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं,
जैसे ये ए बी वाला केस है, इसके लिए आप कह सकते हो कि सर इस बी वाले पॉइंट पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंड आई थिंक बेटा बी वाले पॉइंट पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी बाई यू, बेटा वी कितना है इसका 12.5, यू कितना बेटा -50, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है -1/4। बेटा -1/4 का अर्थ आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है, और इमेज की जो लंबाई है वो ऑब्जेक्ट की लंबाई की 1/4 है, 2 सेंटीमीटर का 1/4 कितना होगा 0.5। तो आप कह सकते हो कि सर ए जो आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, दिस विल बी योर ए डैश एंड दिस लेंथ विल बी ऑफ कोर्स 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यही कहानी हम एक बार सी पर भी दोहरा लेते हैं। बेटा सी वाले पॉइंट पर ये सी डी वाले जो वायर है बेटा ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ऐसे के लिए बेटा हम लोग ऑफकोर्स ना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। सी वाले पॉइंट पर आखिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलो सर वी बाई यू होगा। सी वाले पॉइंट के लिए बेटा वी की वैल्यू है 15 और यू की वैल्यू है -30। आई थिंक बेटा मैग्निफिकेशन आ गया -0.5। माइनस का तो हम अर्थ जानते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो बड़ा इमेज आपकी नीचे है। हाफ का अर्थ ये हुआ कि जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है बड़ा उसकी हाफ हाइट आपकी इमेज की होगी। तो आप कह सकते हो कि डी डैश विल बी लाइक दिस और ये लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर आएगी, ये 2 सेंटीमीटर है तो बड़ा ये आपकी 1 सेंटीमीटर। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये पूरी लंबाई बताओ, बड़ा बताएंगे 0.5 +2.5 +1, आई थिंक बेटा 4 सेंटीमीटर आ गया हो, दिस कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। 2.5 एंड 0.5 दैट इज 3, 3 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 4। बेटा हमारे पास कुल मिलाकर इस वायर की जो इमेज बनी है बेटा उसकी लंबाई कुल मिलाकर हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा बढ़िया सवाल है, आगे चलते हैं बेटा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का बड़ा एक फॉर्मूला भी निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर वाले केस में निकाला था, बिल्कुल वैसे निकालना, सॉरी प्लेन मिरर नहीं आया, हमने स्फेरिकल मिरर वाले केस में निकाला था, बिल्कुल वैसे निकालेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब है जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो। सर ऑब्जेक्ट बड़ी हुई तो बड़ा कर तो लिया, अगर ऑब्जेक्ट बड़ी हुई तो क्या करना है बड़ा, हमने आपको दिखा दिया क्या करना है, बड़ा आसान सा काम, वो टफ काम थोड़ी। सुनिए बेटा, If object is very small, अगर बड़ा object बहुत छोटा हुआ तो क्या करना है? तो magnification हम जानते हैं कि अभी तक हमने define किया है v2 minus v1 upon u2 minus v1। अगर object बहुत छोटा हुआ तो v2 minus v1 को हम लिख सकते हैं dv और u2 minus u1 को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं du। ये बेटा डी वी और डी यू कैसे लिखने हैं हम जानते हैं बेटा, पहले से हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है, v^-1 - u^-1 = f^-1, यही ना बेटा फॉर्मूला, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, दैट इज -1/v² (dv) + 1/u² (du), एंड बेटा एफ तो कॉन्स्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन कम्स आउट टू बी 0। इसको उधर लेके माइनस माइनस कैंसिल, बड़ा हमारे पास dv/du की वैल्यू आ गई, बड़ा कितनी आ गई है v^2/u². ये हमारा बड़ा एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। बड़ा मैं इसे l लिख दूं, और बड़ा ध्यान से देखो तो ये हमारे v/u का होल स्क्वायर है। v/u का होल स्क्वायर तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है, मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर 2 है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपका 4 है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर हाफ है तो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 1/4 है। आप ये भी कह सकते हो कि सर हमने ना ये v बाई यू तो याद ही कर रखा है, f upon f plus u का होल स्क्वायर, ये बड़ा अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, बड़ा ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है याद रहेगा। आप चाहो तो बड़ा एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे एक छोटा सा सवाल कर सकते हो, हालांकि बड़ा ठीक है फॉर्मूला लिखना ही काफ़ी है, बट ठीक है अपने पास खूब टाइम है, कर लेते हैं एक सवाल यार ना। आपके पास बड़ा एक लेंस है ऐसे, और इस लेंस की बड़ा फोकल लेंथ आपको दे रखी है बड़ा लेट्स से 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
एक ऑब्जेक्ट है बड़ा ऐसे पढ़िए, बड़ा ऑब्जेक्ट है ऐसे पढ़िए, ऑब्जेक्ट के साइज बड़ा 3 मिलीमीटर है और ये इस लेंस से बड़ा 90 सेंटीमीटर दूर है। अब बड़ा ऑब्वियस बात है कि इस 30 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर के सामने 3 मिलीमीटर बड़ा बहुत छोटा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है। और ऑब्जेक्ट पड़ी कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी होती तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते। बड़ा बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, बड़ा सिर्फ और सिर्फ इमेज की लेंथ निकाल दीजिए, बड़ा सिर्फ और सिर्फ इमेज की लेंथ निकाल लें। बड़ा पोजीशन तो निकालनी नहीं है, अगर मान लो मुझे पहले पोजीशन निकालनी होती और फिर इमेज की लेंथ निकालनी होती तो बड़ा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता। लेकिन आप कहोगे सर लेंथ ही निकालनी है, पता ही नहीं करना हमें कि ना इमेज कहाँ बनी है, तो सर ये वाला फॉर्मूला बेटर है बिल्कुल। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज एफ। एफ कितना है बड़ा 10, सॉरी एफ कितना है बड़ा 30, F प्लस यू, एफ है बेटा 30, यू की वैल्यू बेटा -90, बेटा -90 को पता ना रेज आई ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाले साइड माइनस बेटा यू की वैल्यू -90, बेटा 30 -90 बेटा -60, बेटा दैट इज -60 का होल स्क्वायर। आई थिंक बेटा मैग्निफिकेशन कम्स आउट 1/4। सर मुझे तो लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है, बेटा लेंथ ऑफ इमेज विल बी ऑफ कोर्स 3 मिलीमीटर अपॉन 4। ये बड़ा हमारे पास लेंथ ऑफ इमेज आ गई, आई थिंक बड़ा 0.75 मिलीमीटर लेंथ आ गई बड़ा किसकी, इमेज की। ठीक है, आसान सा काम तो बहुत ऐसा टफ काम नहीं था। आप बड़ा पहले इस यू से वी भी निकाल सकते थे और उसके बाद भी कर सकते थे, बट बड़ा ठीक है आपसे पूछा ही नहीं बेटा कहाँ पर इमेज बन रही है, सिर्फ ये पूछा कि बताओ इमेज कितनी बड़ी है, तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक, आगे चलिए।